हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में मैं राजस्थान का सेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। बहुत सारे लर्नर्स की डिमांड आ रही थी कि एक बार आप राजस्थान एग्जाम का जो सेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर है वो सॉल्व करवा दें, ताकि सारा आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। तो वही सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, 20% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी पर। बता दूंगी, अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, जेआरएफ की कर रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे इस बैच में रोल कर सकते हैं। देखिए जी, यहाँ पर मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ स्पेसिफिकली, बट आपको पेपर वन एंड दूसरे पेपर टू के सब्जेक्ट के लिए अदर एजुकेटर्स भी अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर। पूरा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिमर 10 मेरा कोड है, इसको लगा के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक वगैरह भी दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी क्लासेस के जो लिंक्स होते हैं वो आपको डायरेक्टली टेलीग्राम से मिल जाएंगे। ठीक है जी। सो देखिए, अब ये जो पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि सिर्फ नेट के एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आप किसी भी सेट के एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तब भी जो मेरी बुक है इकोनॉमिक्स की, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली आपको प्लस क्लासेस में कई बार करवाया गया है, और मेरी बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में। तो सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली जो सेट का एग्जाम होता है वो नेट के एग्जाम से इजी ही होता है। तो इसलिए अगर आप पूरा नेट का कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो उससे आपके सेट की एग्जाम। हाँ, तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें आपको जस्ट उसने फार्मूला पूछा हुआ था, है ना। तो बेसिक टारगेट ही मेरा यही है आपको आज ये करवाना, बताना कि देखिए क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो हमने प्लस क्लासेस में कितनी बार किए हुए हैं। आपको सेट का एग्जाम वही सिलेबस में से आएगा। अगर आपने पूरा मेरा प्लस वाला इकोनॉमिक्स का कोर्स किया हुआ है ना, तो इस एग्जाम में डरने की कोई बात नहीं है, आपका क्लियर हो जाएगा आराम से। ठीक है, मेरी बुक से और मेरे प्लस कोर्स से, इन दोनों सोर्सेस से ही इकोनॉमिक्स के आपको क्वेश्चन इसमें से अभी नजर आएंगे सारे। तो ये वही फार्मूला बेसिक जो हम कितनी बार कर चुके हैं, और बहुत टाइम्स मैंने आपको कहा कि इस फार्मूले से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अब ये न्यूमेरिकल है। अभी कल की क्लास में ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में आपको बताया था, जिसमें हम MR एंड MC को इक्वेट करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज आपको मैंने बताई हुई है कि जो MR है ना, इसकी डेरिवेशन जो है MR की, है ना, वो TR की डेरिवेशन Q की रिस्पेक्ट में करनी होती है हमको, है ना, Q की रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए ना, ये जो फंक्शन है इस तरह से होना चाहिए, पी दूसरी साइड पर, क्यू दूसरी साइड पे होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी पी इज इक्वल टू 20 माइनस क्यू, ये इस तरह से बनना चाहिए था। तो मैं पी इस साइड पर ले गई और क्यू उस साइड पर ले गई। ठीक है, तो दिस इज योर पी। अब टोटल रेवेन्यू क्या होगा आपका, टोटल रेवेन्यू है पी क्यू, तो पी कितना है 20 माइनस क्यू, ठीक है, और क्यू ऐसे ही, तो इट विल बिकम 20 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो डेरिवेशन क्या हो गई इसकी, डेरिवेशन होगी 20 माइनस 2 क्यू, तो आपका ये आ गया 20 माइनस 2 क्यू। और MC कितना हो गया, इसकी डेरिवेशन कर लो कोस्ट की, दैट इज 2 क्यू प्लस 8, तो इट विल बिकम 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 क्यू प्लस 2 क्यू, ये बच गया 12 इज इक्वल टू 4 क्यू, 12 ओवर 4, ये हो गया आपका क्यू जो है 3 हो गया, बस 3 आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स किस पे अप्लाई करता है भाई, एग्रीकल्चर पे अप्लाई करता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक फिक्स्ड फैक्टर है, लैंड जो है हमारी वो फिक्स्ड है, उस पर हम अगर ज्यादा से ज्यादा लेबर हायर करते रहेंगे, पहले तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, अल्टीमेट मैक्सिमम होगी, और फिर प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाएगी। जब TP मैक्सिमम होगा तो MP हमारा नेगेटिव होगा, है ना, वही सारे पॉइंट्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपको एग्रीकल्चर की एग्जाम्पल से ही समझाया जा चुका है। फिर सबसे पहले डुओपोली मॉडल कौन सा आया था, मेरी बुक में सबसे पहले कौन सा डुओपोलिस मॉडल दिया हुआ है, कुर्नो का दिया हुआ है सबसे पहले। ठीक है, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर का कंसेप्ट कार्ल मार्क्स की थ्योरी में आता है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी जिसमें जब वो कहता है कि लेबर को जब एक हद तक एक्सप्लॉयट कर चुके होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, कैपिटल को एक्सप्लॉयट करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का बढ़ाना, मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा करना लेबर से, मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा करने से जो लेबर है उसको काम से निकाल दिया जाता है, और वहीं से बनती है रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। यही रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर जो है वो एक रिवॉल्ट खड़ा करती है कैपिटलिस्टिक्स के खिलाफ, जिससे कैपिटलिस्टिक्स का हेल्ट होता है और सोशलिज्म का आगमन होता है। पूरी आप मेरी इस पर क्लास जरूर देखिएगा, यूट्यूब पर भी आपको मिलेगी। ठीक है, पेरेटो ऑप्टिमिलिटी मैंने आपको एजवर्थ बॉक्स डायग्राम से ही समझाई हुई है, जिसमें हम एक एजवर्थ बॉक्स डायग्राम बनाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट्स होते हैं। आया याद कुछ, विद द हेल्प ऑफ एजवर्थ
बॉक्स डायग्राम हम पेरेटो ऑप्टिमिलिटी करते हैं। सो मैं ना आपको न्यूमेरिकल ऐसे तो खत्म ही नहीं होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर ज्यादा। अब ये देखिए जो न्यूमेरिकल है इस पर देखते हैं। उसने क्या इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 800 to 1000, मतलब इनकम में जो चेंज हुआ है वो 200 का हुआ है, और सेविंग में जो चेंज हुआ है वो 40 का हुआ है। एमपीएस, एमपीएस का फार्मूला क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई, यानी कि सेविंग की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ऐसा भी हम इसको बोल देते हैं, है ना। तो एस में जितना चेंज है 40, वाई में कितना चेंज है 200, तो इसको सॉल्व करो 0.2 आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है जी, इस तरह से वही देखिए, वही लेवल के क्वेश्चंस है ना, नेट से इजी क्वेश्चंस हैं। अब जैसे ये है, इसमें उसने क्या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बाय 100 करोड़ इंक्रीज हुई है, यानी कि डेल्टा आई जो है वो आपका 100 है, ठीक है। और उसने आपको इंक्रीज इन इनकम पूछा, यानी कि आपको डेल्टा वाई पूछा हुआ है, और एमपीसी आपको गिवन दिया हुआ है 0.8। सो मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1/1 - MPC, तो इट वुड बिकम 1/1 - 0.8, देन इट वुड बिकम 1/0.2, ये हो गया 10/2, तो ये आपका 5 आ गया मल्टीप्लायर, ठीक है। अब मल्टीप्लायर का एक और फार्मूला होता है हमारा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई होता है। ये सभी फार्मूले मैंने आपको 4-5 तरह के मल्टीप्लायर के फार्मूले सारे प्लस क्लासेस में करवाए हैं, मेरी बुक में भी है। सो डेल्टा वाई मुझे फाइंड करना है, के की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई है ना, और आई की वैल्यू मेरे पास 100 है, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा? डेल्टा वाई आ जाएगा 500। सो 500 विल बी योर आंसर, सिंपल। ठीक है जी, अब जैसे ये क्वेश्चन है डायग्रामेटिक, इसमें उसने कहा कि टीडी क्या शो करता है। तो देखिए ये केन्जियन थ्योरी ऑफ डिमांड जो है ना, फॉर डिमांड फॉर मनी, वहां से क्वेश्चन है, जिसमें हम तीन मोटिव होते हैं, ट्रांजेक्शनरी डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड एंड प्रिकॉशनरी डिमांड, है ना। तो इस डिमांड फॉर मनी, तो इसमें जब हम पढ़ते हैं कि जो ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इन इलास्टिक होता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने से जो ट्रांजेक्शनरी डिमांड है एंड जो प्रिकॉशनरी डिमांड है, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस पे पड़ता है? स्पेकुलेटिव डिमांड पर। सो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने से डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब वो ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी की बात कर रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका थर्ड हो गया, समझ गए बात को। अब इसने यहाँ पे कहा कि के अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, डेल्टा वाई नेशनली, तो बड़ा सिंपल, अभी मैंने आपको ये फार्मूला करवाया है। मल्टीप्लायर का क्या फार्मूला होता है? डेल्टा आई ओवर, एक मिनट, मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, ये फार्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए क्या सही आएगा, ये वाला तो गलत हो गया, ये उसने उल्टा दिया हुआ है ना, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो आप इसको ना चेंज करके देखो, जैसे अगर मैं डेल्टा आई को इस साइड ले आऊं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और वाई को नीचे ले जाऊं, सॉरी के को नीचे ले जाऊं, है ना, तो फिर ये वाला सही बन रहा है, ये वाला सही बन रहा है, ठीक है। बस तोड़ मड़ोड़ के उसने थोड़ा उसको कर दिया, और कुछ नहीं है, समझ आ गई बात। अब ये देखिए ये क्वेश्चन, आप कहेंगे ये तो कितना डिफिकल्ट है क्वेश्चन, हम इसको कैसे करें भाई। देखिए तो ये कंसेप्ट भी सारे आपको समझाए हुए मैं से ही है। इसमें उसने कहा कि इनकोरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली में उसने कहा IS1 शोज द स्पेंडिंग इज अनरिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है आपका IS1 का, ये जो स्ट्रेट लाइन है। तो ये IS1 क्या शो कर रहा है कि जो स्पेंडिंग है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेट नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये IS कर्व, ये वाला कर्व ये शो कर रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में जितना मर्जी चेंज आ जाए आपका IS में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये दैट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज राइट। फिर उसने कहा है IS4 रिप्रेजेंट्स द स्पेंडिंग इज कंप्लीटली इंटरेस्ट इलास्टिक, ये IS4 कर्व। देखिए जब भी हम ये वाला कर्व बनाते हैं वर्टिकल वाला, इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। जब हम ये कर्व बनाते हैं हॉरिजॉन्टल, इसका क्या मतलब होता है? परफेक्टली इलास्टिक, पूरी तरह से चेंज आ रहा है, देखिए इनकम में पूरी तरह से चेंज आ रहा है, देखिए परफेक्टली इलास्टिक है, फाइन, तो ये भी ठीक है। फिर उसने अगले में क्या, मॉनिटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव इन केस ऑफ IS3 एंड IS4, कहता है IS3 एंड IS4 के केस में मॉनिटरी पॉलिसी ज्यादा। अब मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ, वैसे मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में चीजें आपको बहुत डिटेल में समझाई हुई है। अब जैसे IS3 कर्व है,
यस थ्री, ये वाला कर्व है, मतलब फ्लैटर है, फ्लैटर कर्व है। तो मैंने आपको ये इस तरह से समझाया हुआ है, इफ दिस इज IS3 कर्व। और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल LM कर्व भी बना लेती हूँ इस तरह। ये बन गया मेरा LM कर्व। अब उसने मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस की बात की है, तो मैं LM कर्व को आगे शिफ्ट करूंगी। देखिए तो यहाँ पे आप देखो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिक्लाइन होने से मेरी इनकम में काफी इंक्रीज आ रहा है। तो मैंने आपको क्या समझाया हुआ है कि जब इनकम में इंक्रीज आता है तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है, मोर इफेक्टिव होती है, यानी कि ये चीज ठीक है। ठीक है, मेरी बुक के पेज नंबर कितने पर ये सारा दिया हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स देखिएगा, पढ़िएगा। मैं अभी आपको बताती हूँ, जिन स्टूडेंट्स के पास मेरी बुक है वहां पर आपको ये डायरेक्ट सारा कंसेप्ट ही मिल जाएगा आराम से। हाँ, पेज नंबर 108 देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब IS कर्व फ्लैटर होता है ना तो मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव होती है, जब IS कर्व स्टीपर होता है ना तो मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव होती है। और सारा डिटेल में मैंने आपको प्लस में भी समझाया हुआ है ना। तो यानी कि IS कर्व जितना ज्यादा फ्लैटर होगा मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी, और IS कर्व अगर स्टीपर होगा, ये स्टीपर है, ये जो कर्व आपको दिख रहे हैं ना IS1 एंड IS2, ये स्टीपर है। जितना ज्यादा IS कर्व स्टीपर होगा मॉनेटरी पॉलिसी उतनी ही कम इफेक्टिव होती है। ठीक है, लॉजिक के साथ मैंने आपको एक डायग्राम समझा दी है। तो यानी कि यहाँ पे फिर लेस इफेक्टिव आना चाहिए था ना, तो फोर्थ आपका इनकोरेक्ट हो गया। ठीक है, ये चीज। फिर उसने कहा कि LM कर्व की शेप जो है वो किस पे डिपेंड करती है। LM कर्व की शेप लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों पे डिपेंड करती है जी। लिक्विडिटी, लोग कितनी प्रेफर कर रहे हैं लिक्विडिटी को और मनी की, क्योंकि LM कर्व में बेसिकली हम मनी, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी को ही कंसीडर करते हैं। डिमांड फॉर मनी का मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड सप्लाई फॉर मनी का मतलब दिस। ठीक है, तो LM कर्व का मतलब ही इसमें ये है कि डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी हम इसमें देखते हैं, यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी डिमांड फॉर मनी। ठीक है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी किससे इंटरेस्ट इन्वर्सली रिलेटेड होती है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। दिस इज द कर्व फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, इस साइड पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलते हैं, इस साइड पर हम डिमांड फॉर मनी। तो ये जो है डिमांड फॉर मनी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वर्सली रिलेटेड होती है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको पुराने डाटा से आया, आप नए डाटा के अकॉर्डिंगली भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे उसने कहा है कि जो इन इयर्स के बीच में पॉवर्टी जो है वो कितना कम हुई है, अब आप लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग ये चीज़ कर सकते हैं कि नए सालों में, थोड़े लेटेस्ट इयर्स में पॉवर्टी कितनी कम हुई है या कितनी बढ़ी है। ठीक है, देखिए जीरो बेस्ड बजटिंग का क्वेश्चन है भाई, इकोनॉमिक्स वाले सारे मेरे प्लस वाले लर्नर्स उनको रटे हुए हैं ये क्वेश्चन, मुझे पता है। जीरो बेस्ड बजटिंग सेकेंड वाला इसका सही जवाब है, जब हम हर एक आइटम को दोबारा से नए सिरे से री एवेल्युएट करते हैं। पीटर फिर ने ये कंसेप्ट दिया है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसने पूछा है फर्स्ट किसका है, तो आप लेटेस्ट वाली जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट है यहाँ पे वो पढ़ के जाएंगे करंट अफेयर्स के लिए। पुराना क्वेश्चन करवाने का फायदा नहीं है, आप नया इसमें करके जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये थोड़े करंट से क्वेश्चंस हैं, तो ये करंट के क्वेश्चंस, जैसे इसने ये क्वेश्चंस पूछे ना, इन्हीं को आप करंट्स में देख लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। जैसे उसने नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव पूछा है, आप जितनी भी स्किल डेवलपमेंट की गवर्नमेंट स्कीम्स आई हुई हैं दैट आर रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट्स, उन सबके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जाएंगे। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशियंट से क्वेश्चन है जी, तो ये चीज़ आपको कितनी बार बताई गई हुई है कि जो आपका कोरिलेशन कोफिशियंट होता है ना वो ओरिजिन एंड स्केल दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, बट जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो सिर्फ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता। अब ये ओरिजिन एंड स्केल क्या होता है इसके बारे में मैंने अपनी क्लासेस में बताया, हर एक चीज़ में यहाँ पे अगर डिस्क्लोज कर दूंगी तो फिर आप मेरी क्लासेस देखोगे नहीं, है ना। सो इसमें से हैक्शर ऑलिन थ्योरी की एजम्पशन कौन सी नहीं है, फैक्टर्स पूरी तरह से एम्प्लॉयड है, फ्री ट्रेड है, ठीक है, ये फैक्टर एंडोमेंट्स वेरी करते हैं बिल्कुल, अगर एक कंट्री लेबर में स्पेशलाइज्ड है तो हो सकता है दूसरा कैपिटल में स्पेशलाइज्ड हो, तो ये तीनों ही ठीक है। तो इसमें आपका फोर्थ आंसर आएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, मतलब कि गुड्स का। ठीक है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का मतलब है गुड्स का एक्सपोर्ट, गुड्स का इम्पोर्ट्स दोनों होते हैं। इनविजिबल मतलब सर्विसेज,
एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, वो भी होते हैं ऐड, सब चीज़ें ऐड होती हैं, तो फोर्थ आपका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनिटरी मेजर फॉर करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस इक्विलिब्रियम। हाँ, इसने कहा कि इसमें से मोनिटरी मेजर कौन सा नहीं है अगर हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम दूर करना है। तो मोनिटरी एक्सपेंशन, यानी कि इसका मतलब है एक्सपेंशनरी मोनिटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मोनिटरी पॉलिसी के थ्रू आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम दूर कर सकते हो। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके थ्रू हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम ठीक कर सकते हैं। एक्सचेंज कंट्रोल, एक्सचेंज का कंट्रोल कर देंगे तो एक्सचेंज कंट्रोल से हम इम्पोर्ट्स कम कर पाएंगे दूसरे रेशो से, है ना, तो उससे भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो जाएगा। डीवैल्यूएशन से तो होता ही होता है, जब करेंसी की वैल्यू कम होती है डीवैल्यूएशन होता है। तो कितनी बार हमने पढ़ा है कि इससे कंट्री में एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं क्योंकि इससे एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं और इम्पोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, तो इससे हमारा बीओपी करेक्ट होता है। एक्सटर्नल लोन्स का यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में एक्सटर्नल लोन्स जो है ये एक मोनिटरी मेजर में नहीं आते। ठीक है, ट्रेड मेजर्स फॉर करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों है, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट कंट्रोल। अगर हम इम्पोर्ट को कंट्रोल कर लेंगे और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, है ना, तो इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम दूर होगा। ड्यूटीज विच, हाँ, ऐसी ऐसी ड्यूटीज जो परसेंटेज, मैंने आपको कितनी बार बतवाया कि जो परसेंटेज में टैक्स लगते हैं वो कौन से टैक्स होते हैं, एड वॉलरम होते हैं। जो परसेंटेज में लगते हैं दीज आर एड वॉलरम टैक्सेस। इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक्सपोर्टिंग फर्म, हाँ, जब एक फर्म फॉरेन मार्केट में चीज को सस्ता बेचता है और डोमेस्टिक मार्केट में वही चीज महंगी बेचता है तो इसको हम बोलते हैं डंपिंग, है ना। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, फॉरेन मार्केट में चीजों को सस्ते बेच दिया जाता है और इंडियन मार्केट में वही चीज डोमेस्टिक मार्केट में महंगी बेची जाती है, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए दूसरे कंट्रीज में अपना मतलब वो थोड़ा नाम बनाने के लिए कि देखो हमसे इतनी सस्ती चीज मिल रही है हमसे खरीदो, है ना। तो दैट इज डंपिंग बेसिकली, बट इसके नुकसान बहुत होते हैं। तो मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखती हूँ क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन को इतना डिटेल में करने लगे तो हो नहीं पाएगा, है ना। अब यहाँ पे सरप्लस लेबर थ्योरी, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, मैंने ये कंसेप्ट से समझाए हुए हैं, तो फिर दिल करता है कि सारे क्वेश्चंस करवाएं बारी बारी। सो सरप्लस लेबर थ्योरी बेसिकली ये लुईस की थ्योरी से आपको पूछ रहे हैं। लुईस की जो एग्रीकल्चर की थ्योरी है उसमें सरप्लस लेबर होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, है ना। सरप्लस लेबर के कारण वहाँ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो जीरो रहता है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको नया है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं हुआ, दिस इज न्यू क्वेश्चन। 1 मिनट, हाँ, कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कुछ स्टेजेस दिए हुए हैं, जैसे वो हमने जो पढ़े हुए हैं ना स्टेजेस वो पढ़े हुए हैं हमने, बट ये चीज नहीं पढ़ी हुई जिसमें स्लेवरी आ जाता है, फ्यूडलिज्म, स्लेवरी, कैपिटलिज्म, फिर उसके बाद सोशलिज्म, है ना, प्रिमिटिव कम्युनिज्म आता है सबसे पहले। ये वाले स्टेजेस को हम हिस्टोरिकल स्टेजेस कहते हैं, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, मार्क्स ने जो की है। सो उसने कहा है कि जो इसकी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पर व्यूज हैं वो इन सब के द्वारा शेप्ड हुए हैं, किसके द्वारा नहीं हुए, ग्रोइंग स्पिरिचुअल रैशनलिज्म, ये अलग अलग थॉट्स हैं जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, तो ग्रोइंग स्पिरिचुअल रैशनलिज्म के द्वारा उसके व्यूज शेप नहीं हुए, बाकी सबके द्वारा हुए हैं, ये कहा है उसने। हैरेट डॉमर मॉडल, ओवर प्रोडक्शन इज ए कंडीशन वेयर। ओवर प्रोडक्शन कब होती है जी, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि जब आपका वरंटेड ग्रोथ रेट कम होता है ना, कम होता है वरंटेड ग्रोथ रेट, जब कम होता है चाहे वो नेचुरल से कम है चाहे वो एक्चुअल ग्रोथ से कम है, तो इकॉनमी में डिफ्लेशन ही आता है, डिफ्लेशन आता है, चीजें कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है, सब कुछ कम होगा।
जब आपका ग्रंटेड ग्रोथ रेट ज्यादा है, इकॉनमी में बूम आता है, इन्फ्लेशन आता है, सब चीजें बढ़ेंगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी. तो बेसिकली जब आपका ग्रंटेड रेट ज्यादा है तब ओवर प्रोडक्शन होगी. ठीक है, इनहेरिड मॉडल ओवर प्रोडक्शन इज ए कंडीशन वेयर ऑल प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग टू मच, ऑल प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग हायर देन द वारंटेड लेवल ऑफ आउटपुट. यार इसका मतलब ये है, एक मिनट, कि जो आपका एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट है वो वारंटेड लेवल ऑफ आउटपुट से ज्यादा है. हाँ एक मिनट, मैंने यहाँ पे थोड़ा उल्टा बोल दिया. देखिए यहाँ पे इस तरह से आना था कि अगर आपका वारंटेड रेट ज्यादा है तो इकॉनमी में डिफ्लेशन होता है, और अगर वारंटेड रेट कम है तो इकॉनमी में इन्फ्लेशन होता है. ये आपको दिया हुआ है, बुक के पेज नंबर बता देती हूँ मैं. हैरेट डॉमर मॉडल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, जो मेरी बुक है उसमें भी ये दिया हुआ है. हाँ पेज नंबर 219 पे देखो, जब हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा है, देखिए एक्चुअल से वारंटेड ज़्यादा है तो डिप्रेशन लिखा हुआ है, जब एक्चुअल ज़्यादा है वारंटेड से तो इन्फ्लेशन लिखा हुआ है. तो बेसिकली जब एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा तो इकॉनमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी. इन्फ्लेशन में सब वेरिएबल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, प्रोडक्शन, प्राइजेस, प्रॉफिट्स, सब कुछ ऊपर की तरफ जाते हैं. तो सेकेंड आंसर इसमें सही हो गया. ठीक, और ये देखिए थर्टीन फाइनेंस से आए हैं आप, 15th एंड 14th फाइनेंस कमीशन करके जाइएगा. फिर उसने क्या, ड्राइव टू मेच्योरिटी स्टेज रोस्टर के मॉडल में कौन सी होती है भाई? ड्राइव टू मेच्योरिटी टेक ऑफ स्टेज के बाद आती है. फॉलो टेक ऑफ स्टेज का मतलब कि वो टेक ऑफ स्टेज के बाद आती है. तो इसका ये आंसर सही होगा, फर्स्ट वाला. हैरेट डॉमर का जो इक्विलिब्रियम है वो किसके बेस पे होता है जी? सेविंग्स, हैरेट डॉमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम बिटवीन इनकम जनरेशन एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्रिएशन आएगा इसका सही जवाब. जो इन्वेस्टमेंट है उसका डुअल रोल होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट का काम इनकम जनरेट करना है, दूसरा इन्वेस्टमेंट का काम प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिमांड साइड पे भी काम करती है और इन्वेस्टमेंट सप्लाई साइड पे भी काम करती है. तो ए विल बी द करेक्ट आंसर. और आपके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस देखती हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं. चेयरमैन देखो, 14th एंड 15th का चेयरमैन करके जाना आप लोग. ये यहाँ पे जैसे उन्होंने एसएलआर पूछा है तो आप लेट टेस्ट वाला एसएलआर का फिगर जरूर करके जाना. एवरग्रीन रेवोल्यूशन की कॉल किसने दी थी? एमएस स्वामीनाथन, बिल्कुल सही. अब प्लानिंग से भी थोड़ा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस बार भी उन्होंने अनएक्सपेक्टेड सा प्लानिंग से क्वेश्चन पूछ लिया था. फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का ओरिजिनेटर कौन है? नहीं, एम एस स्वामीनाथन इसका ओरिजिनेटर नहीं है. इसका ऑफिशियल आंसर की इसमें इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है. इस क्वेश्चन को एलिमिनेट किया हुआ है उन्होंने, ओरिजिनेटर ऑफ ग्रीन. देखिए इंडियन इंडियन जो रेवोल्यूशन है ना, इंडिया की जो रेवोल्यूशन थी ग्रीन रेवोल्यूशन, वो एम एस स्वामीनाथन के द्वारा दी गई थी, उसकी कॉल दी थी, बट ओरिजिनेटर एम एस स्वामीनाथन नहीं है. इनपुट आउटपुट एनालिसिस में टेक्निकल कोफिशियंट्स जो होते हैं भाई, मैं आपको समझाती हूँ. इसमें जब हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस करते हैं ना, उसमें जो आपके टेक्निकल कोफिशियंट, जैसे ऐसे हम करके लिखते हैं ना, ये वाले है याद कुछ, एक इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स में ऐसे लिखते होते हैं, तो ये नन आर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव नहीं होंगे, दैट आर नन आर नेगेटिव. सोशल ओवरहेड कैपिटल का कंसेप्ट किसने दिया है? वेरी इजी क्वेश्चन. यस, हिशमैन, एसओसी टू डीपीए, अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी. अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी सोशल, एसओसी टू डीपीए जिसमें हम पढ़ते हैं, डीपीए टू एसओसी, फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज.
फिर एनिस मॉडल। द फर्स्ट वुड बी द करेक्ट। फिर एनिस मॉडल भी बेसिक लुईस मॉडल की तरह ही है, सारा मॉडल आपको समझाया हुआ है, जिसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंटर रिलेशनशिप्स बताए गए हैं। हु सेड द प्रोडक्शन वुड ग्रो मोर स्लोली देन पॉपुलेशन अंटिल पीपल वर रिड्यूस टू स्टारवेशन। ये उसने कहा कि ये सेइंग किसने कही है। ये जो माल्थस की पॉपुलेशन की थ्योरी है ना, उसमें है ये, कि उसमें जिसमें उसने कहा कि जो प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक रेट पे बढ़ती है, पर जो पॉपुलेशन है वो जो मैट्रिक रेट पे बढ़ती है, जिसके कारण भूखमरी आती है ना, माल्थस की थ्योरी। देखिए ब्लू रेवोल्यूशन तो करवाया भी हुआ है आपको, दैट इज रिलेटेड टू फिशरीज, बड़ा बड़ा मेरी बुक में भी लिखा हुआ है, करवाया भी है। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण विच फूड ग्रेन हैज रिड्यूस्ड परसेंटेज इन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। कहता है कि इस फूड ग्रेन का परसेंटेज, देखिए वीट एंड राइस का काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन था ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत। ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट राइस का सबसे ज़्यादा हुआ था, ऑयल सीड्स का भी हुआ था। सीरियल्स एंड पर्सेस का परसेंटेज ग्रीन रेवोल्यूशन के ड्रॉबैक में कहा गया था कि सीरियल्स एंड पर्सेस में इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत, सिर्फ वीट राइस में ज़्यादा हुई थी। ठीक है, ग्रीन नेशनल अकाउंट में क्या मेजर करते हैं? ग्रीन नेशनल अकाउंट जो जो हमारी नेशनल आउटपुट है, जो हमारी नेशनल इनकम है, वो देखिए बेसिकली ग्रीन नेशनल अकाउंट्स में क्या होता है कि हम जब अपनी नेशनल इनकम काउंट करते हैं ना, तो उसमें जो एनवायरनमेंट को डिप्लीट करके ग्रोथ हुई है ना, उसको भी ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए एक फॉरेस्ट काट के वहाँ पर इंडस्ट्री बनाई गई, तो इंडस्ट्री से जो ग्रोथ हुई वो भी हमने जीडीपी में ऐड किया। बट क्या हमने देखा कि जो वो एनवायरनमेंट में डिप्लीशन आया है, जो पूरा फॉरेस्ट काट दिया गया है, वो उसकी कॉस्ट पर इंडस्ट्री बनी है। तो बेसिकली उस कॉस्ट को भी ऐड करना, उस एनवायरमेंटल डिप्लेशन की कॉस्ट को भी ऐड कर देते हैं हम जीडीपी, जिससे टोटल जीडीपी हमारी कम हो जाती है थोड़ी सी, फिर बात समझे हो। सो नेशनल प्रोडक्शन को जब हम एडजस्ट कर देते हैं फॉर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, जो हमारे नेशनल रिसोर्सेज है, जैसे फॉरेस्ट हो गए या कोई भी नेशनल रिसोर्सेज है, उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने से जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं ना, उनको हम एडजस्ट कर देते हैं नेशनल प्रोडक्शन से, जैसे हमने मैंने आपको अभी समझाया। 2011 का डाटा करके जाना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कफोर्स का उसने कहा ट्रू फीचर कौन सा नहीं है? लो पार्टिसिपेशन रेशियो ऑफ वर्कफोर्स, लोअर रेशियो ऑफ फीमेल्स, बिल्कुल फीमेल्स का रेशियो कम है जी। डेवलप्ड स्टेट्स में फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लोअर वर्क पार्टिसिपेशन। देखिए इस पर ना मेरा अभी कल परसों ही सेमिनार था, प्रेजेंटेशन थी सेमिनार इस सेम इसी टॉपिक पर, उसमें ये सब चीज़ें मैंने प्रूव की थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है ना, बट जो फीमेल्स का पार्टिसिपेशन अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस में कम है ना, और जो रूरल एरियाज है वहाँ पे वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका उसने कहा ट्रू फीचर कौन सा नहीं है इंडिया की वर्कफोर्स का, तो थर्ड इसका सही फीचर नहीं है, यानी कि लोअर वर्क पार्टिसिपेशन रेट्स इन रूरल एरियाज कंपेयर टू डेट इन अर्बन एरियाज। नहीं, रूरल एरियाज में वर्क पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है अर्बन एरियाज के की बजाय। सो थर्ड वाला आपका इसलिए गलत है। ये क्वेश्चन आपको तभी आना था अगर आपने थोड़ा इंडियन इकोनॉमी का लेटेस्ट डाटा वगैरह पर स्टडी की हुई है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो मैंने भी आपको करवाया हुआ है। डिमांड, हाँ फैक्टर की डिमांड, जैसे लेबर की डिमांड को हम ड्राइव्ड डिमांड क्यों कहते हैं, लेबर की डिमांड भी ड्राइव्ड डिमांड है। डायरेक्टली हम प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, प्रोडक्ट लेबर के द्वारा बनाया जाता है, तो लेबर की डिमांड ड्राइव्ड डिमांड होगी, क्योंकि लेबर की डिमांड उस प्रोडक्ट की डिमांड से ड्राइव हो रही है ना। तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, बिकॉज इट एमर्जेस फ्रॉम द डिमांड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। कंज्यूमर ने तो फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड की ना, बट क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो लेबर की डिमांड से लिंक्ड है, लेबर की डिमांड जो है वो उस फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड के कारण ही हो रही है, क्योंकि लेबर ही उस प्रोडक्ट को बना रहा है ना, तो लेबर की डिमांड, लेबर यानी कि फैक्टर, उसकी डिमांड ड्राइव डिमांड होगी। नेशनल इनकम का सबसे बड़ा सोर्स सबको पता है ये, सर्विस सेक्टर बहुत बार अटवाया हुआ है। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल पूछा है उसने, 280 आर्टिकल में आपकी फाइनेंस कमीशन आई थी, ये भी पता है। वैट इज इम्पोज्ड, वैट इज
वैल्यू एडेड टैक्स जो है आपका। फाइनल स्टेज पर तो जीएसटी लगता है ना, डेस्टिनेशन पर, सभी एवरी प्रोडक्शन कंजम्पशन के सभी स्टेज पर लगता है, जिसके कारण डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आई। उसी को हटाने के लिए तो जीएसटी आया था, जो सिर्फ फाइनल स्टेज में लगाया जाता था। तो इसका थर्ड आंसर सही हो गया। कौन सा टैक्स डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है जी? प्रोग्रेसिव टैक्स, बिल्कुल, क्योंकि ये डायरेक्ट होता है, इनकम बढ़ने से बढ़ेगा, इसका बर्डन अमीर पर ज़्यादा होता है, पुअर पे कम। एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस की नीड्स को कौन सा बैंक पूरा करता है? नबार्ड। नबार्ड एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, रूरल बैंकिंग का सबसे अपेक्स इंस्टीट्यूशन। इसका शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशंस पर ये आया, इसका लॉन्चिंग डेट सब आपको पढ़ाया हुआ है। इस तरह के करंट जरूर करके जाना, जैसे उसने ये पूछा, इसका आप अगले वाले सालों का करंट भी करेंगे। सेंसस 2011 का डाटा रट के जाना है आपको, बुक में भी मेरी दिया हुआ है। कहता है कि अगर एक्स एंड वाई में कोरिलेशन इतना है तो हाँ, दो ये डायरेक्टली आपको ना, ये मेरी बुक में लिखा हुआ है डायरेक्टली इसी तरह से, कि जब कोरिलेशन 1 होता है ना, तो दो रिग्रेशन लाइंस कोइंसिडेंट, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, कोइंसाइड हो जाती हैं। अगर कोरिलेशन +1 या -1 है, तो दो रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाती हैं, इसको हम बोलते हैं कोइंसाइड। ये नया क्वेश्चन है, ये आपको पहले नहीं करवाया गया हुआ, इट इज़ अ न्यू क्वेश्चन, इंडक्टिव एनालिसिस है वैसे इसका, बट इट इज़ न्यू क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन रह गए हैं? हाँ, अब ये देखिए, अब इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चंस आ गए। जैसे एफ एफ टेस्ट, जो हिपोथेसिस में हमने एफ टेस्ट पढ़ा है, उसका सबसे पहले लार्जर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस होता है, फिर स्मॉलर एस्टिमेट, जिसमें हम S2/S1 करते हैं, लार्जर एस्टिमेट ओवर स्मॉलर एस्टिमेट। ये फार्मूला किसका है जी? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, कितना रटा हुआ है हमने ये। फिर प्रोड्यूसर सरप्लस का क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल्स सारे हमने किए हुए हैं। अब ये कितने न्यूमेरिकल्स हैं? 3, 4, ये मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स करवाती हूँ, जस्ट वेट। हाँ, जस्ट सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अब देखिए, ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, जैसे इसमें प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करना है, आप पहले तो इन दोनों को इक्वेट कर लो। 3x² - 20x + 5 = 15 + 9x, इसको इक्वेट कर लो। जब आप इसको इक्वेट करोगे ना, तो यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, थोड़ा सा लेंथी है बट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, इसको आपको ब्लैंक स्लाइड पर करवा देती हूँ। उसके लिए मुझे इसका फोटो लेना पड़ेगा। यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे उसने 3x² - 20x + 5, ये डिमांड फंक्शन है, एंड 15 + 9x, ये आपका सप्लाई फंक्शन है। तो इसको हम करते हैं इक्वेट, दैट इज 3x² - 20x - 9x = 15 - 5। तो ये हो गया 3x² - 29x = 10। सो सॉरी, ठीक है ना, गलत तो नहीं ना की कोई कैलकुलेशन? ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, मैं आपको तरीका बता दूं, चलेगा? आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, सारा मतलब करने के लिए, ये सॉल्व कैसे करना है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की, मैं जस्ट आपको तरीका बता देती हूँ। अब यहाँ से ना आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली, ठीक है। वो आप फार्मूला जो कि लगाना है, वो सारा मैंने आपको बेसिक कोर्स जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का शाम को क्लास होती है, उसमें करवाया हुआ है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x, यहाँ पे आपका सप्लाई फंक्शन आ जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सप्लाई फंक्शन ये वाला आना है, डिमांड फंक्शन नहीं, सप्लाई फंक्शन। इस फार्मूले से आप यहाँ से डायरेक्टली प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कैलकुलेटिव पार्ट आप पर है, आपको कैलकुलेटिव पार्ट खुद सॉल्व करना है।
अब जैसे यहाँ पे है, उसने MR दिया, MC दिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, सिर्फ इनको इक्वेट करेंगे, MR को MC को इक्वेट कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मैं इक्वेट कर देती हूँ, इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2AB। इसको खोल लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 16 माइनस 4 2 का 8, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4x। ठीक है, जस्ट वो फार्मूला लगा। अब आप इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, देन इट वुड बी योर आंसर। आई थिंक ये सारा आप खुद कर सकते हैं, मैंने इसलिए पूरा पूरा नहीं सॉल्व करवा रही। ठीक है, इस तरह से इसी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, MR दिया हुआ है तो टोटल रेवेन्यू उसने पता करने के लिए आपको कहा है। MR से आपको TR पता करना है। देखिए मैंने आपको क्या, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर मैं कह रही हूँ ना कि MR जो है वो TR की डेरिवेशन होती है ना, तो यानी कि अगर मुझे TR निकालना है तो फिर मैं MR की इंटीग्रेशन कर दूंगी, है ना। तो इसकी इंटीग्रेशन 50Q माइनस 5Q² ओवर 2 प्लस, इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, कांस्टेंट जरूर लगता है। तो आपका 70 का ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया सही। ठीक है, अच्छा आगे ये क्वेश्चन, ड्यूअल ऑफ ए गिवन प्राइमल, प्राइमल का ड्यूअल पूछा उसने, है ना। ऑप्शन ये देखिए, ड्यूअल का रूल होता है जो मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, ड्यूअल का रूल अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग वाली क्लासेस में। ड्यूअल का रूल होता है, ये जो चीजें हैं ना आपकी, ये ऊपर आ जाएंगी, जेड इज इक्वल टू 220 और 280 यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका जो 64 है ना, ये आपका कॉलम वाइज बन जाएगा ऐसे, इसी तरह 3 एंड 10 कॉलम वाइज, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 35, ये इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो आप एक्स की जगह पे यहाँ पे वाई ले सकते हैं। टू, अब देखिए फर्स्ट वाला तो है नहीं ऑप्शन, ये देखिए सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है, 6 3 4 10 40 35, बिल्कुल ठीक है ये। और जो आपका इस साइड साइन होता है डुअल में, वो साइन उल्टा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, यहाँ पे y1 लिख दो, वहाँ पे y2 लिख दो, ठीक है, यहाँ पे y1 लिख दो, y2 लिख दो, प्लस y1 लिख दो, y2 लिख दो, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही है, डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल। एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, तो ये डायग्राम मैंने आपको बहुत बार करवाई हुई है। एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में 1.96 प्लस 1.96 एंड ये ऐसे करके एक डायग्राम होती है, इसमें इतना एरिया और इतना एरिया, जो आपका माइनस म्यू और प्लस म्यू, इसमें कितना एरिया बनता है, फिर -2 म्यू म्यू प्लस 2 म्यू में कितना एरिया बनता है, फिर -3 सिग्मा सॉरी एंड +3 सिग्मा में कितना एरिया बनता है, ये डायग्राम आपको करवाई हुई है कितनी बार। तो ये जो डायग्राम है ना, मैं आपको करवाई देती हूँ सारी, वैसे मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में ये आपको बहुत बार करवाई हुई है। हाँ, इसमें ये जो सबसे छोटे वाला एरिया होता है ये 68% रहता है, ये जो उससे बड़े वाला चले जाता है ये 95% चले जाता है, सबसे बड़े वाला जो होता है ये 99.7% होता है, इसी तरह से ये एरियाज बनते हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था ना, -2 सिग्मा एंड +2 सिग्मा, -2 सिग्मा एंड +2 सिग्मा के बीच वाला जो एरिया होता है वो कितना है, 95% है, 95% है, यानी 2% या 1.96 अप्रोक्सीमेट 2% ही हो, 2 ही हो गया ना, 1.96 क्या हुआ, 2 ही हो गया ना, है ना। तो यानी कि -2 एंड +2 के बीच में जो एरिया है आपका वो 95% बनता है, इस तरह से। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एक और फंडा है, जैसे जब हम जेड टेस्ट करते हैं तो जेड टेस्ट में ना हमारा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 1.96 होता है रिजल्ट, 5%, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 1.96, तो अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है तो यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कितने होंगे, 95%। उस रूल से भी आप इसको कर सकते, दोनों रूल्स आपको रटवाए हुए हैं। मैंने भी आज आपके साथ पहली बार राजस्थान सेट का पेपर देखा है, एंड आई एम रियली वेरी मच शॉक्ड, और आई एम 100% मैं आपको लिख कर ये गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने मेरा पूरा प्लस क्लास देखा है, मेरी अगर आपने बुक पढ़ी है ना, तो इस एग्जाम में आप फेल होने के चांसेस ही है नहीं, क्योंकि मैंने मुश्किल से सिर्फ हार्डली अभी तक ऐसे 2-3 क्वेश्चन देखे हैं जो आप मेरे मतलब
नहीं पढ़ाए हुए मैंने, हार्डली पूरे पेपर में सिर्फ दो तीन क्वेश्चंस ऐसे देखे, बाकी सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं, प्लस पर करवाए हैं, बुक में करवाए हुए हैं, सभी करवाए हुए हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे आउट ऑफ टू टाइप्स ऑफ हिपोथेसिस, सबसे सेवरे मतलब सबसे सीरियस वो कहता है कि एरर किस में होता है, टाइप टू एरर जो है सबसे सीरियस। टाइप वन एरर क्या होता है, टाइप टू एरर क्या होता है, हैव एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, पावर ऑफ टेस्ट क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, सब चीजें एक्सप्लेन की हुई है। टाइप टू एरर इज मोस्ट सेवरे। प्रेजेंट ये ना प्रेजेंट से क्वेश्चन आया, यानी कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आया, तो आप करंट अकाउंट डेफिशिट के अभी रिसेंट वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी लेटेस्ट स्कीम है, इसके लिए आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी पड़ेंगी। सो मतलब वही चीज़ है, प्लस वाला कोर्स देख लेंगे, बुक पढ़ लेंगे और खुद कुछ करंट चीज़ें पढ़ लेंगे, ये तीन चीज़ें कर लेंगे तो आपका ये एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अभी अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Simmer10 मेरा कोड है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं, टेलीग्राम चैनल भी दिया गया है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।